नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए इस क्लास में अपन डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित उत्सर्ग एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, और रामकुमार वर्मा जी जो एक उत्कृष्ट एकांकीकार माने जाते हैं, उनके द्वारा रचित एकांकी अपन कौन सा पढ़ रहे थे? अपन एकांकी पढ़ रहे थे उत्सर्ग। और उत्सर्ग एकांकी में अपन कहां पर थे? देखिए, अपन थे छाया देवी और डॉक्टर शेखर के पास। डॉक्टर शेखर इनके बीच में थे। अब इन दोनों के बीच में आपस में बातें हो रही है। डॉक्टर शेखर अपनी बेटी को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली जाए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शेखर एकमात्र जीने का सहारा अपनी बेटी को मानते हैं। कारण ये था क्योंकि उन्होंने छाया देवी से प्रेम किया और छाया देवी चल बसी और उनका प्रेम सफल नहीं था। कारण ये था कि उनके मित्र का देहांत हो गया था और मित्र के देहांत पर मित्र की पत्नी को इन्होंने माँ की तरह सम्मान देते हुए अपने मित्र की पत्नी और बेटी के पालन पोषण का भार अपने कंधों पर ले लिया था। तो इस कारण इन्होंने यूं सोचा कि कहीं उनके पालन पोषण में, उनके भरण पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी न आ जाए, इसलिए उन्होंने छाया देवी के प्रेम तक को ठुकरा दिया था। तो अब छाया देवी यूं चाहती है कि डॉक्टर शेखर से उसकी बेटी ले जाए, इसलिए वो छाया देवी डॉक्टर शेखर की बेटी मंजुल को कहती है कि मैं 4 महीने बाद तुम्हें ऋषिकेश ले जाऊंगी। अब इस बात का पता डॉक्टर शेखर को चलता है तो डॉक्टर शेखर बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं और वो फिर छाया देवी का आह्वान करके उससे बात करते हैं और उससे यूं कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को मुझसे छीनना क्यों चाहती हो? तो छाया देवी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि तुम्हारे कार्यों का पुरस्कार तो तुम्हें देना पड़ेगा डॉक्टर, अर्थात तो तुमने जो मेरे साथ किया उसका पुरस्कार तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो इसलिए छाया देवी डॉक्टर शेखर से बात कर रही है। डॉक्टर शेखर मिन्नतें कर रहा है। डॉक्टर शेखर यूं कह रहा है कि देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब छाया देवी यूं कहती है कि देखो, तुमने मुझे वन में लगी आग की तरह छोड़ दिया। वन में लगी एक आग ऐसी होती है जो चिंगारी, हल्की सी चिंगारी भी बहुत विकराल रूप ले लेती है, भयानक रूप ले लेती है। तो छाया देवी ऐसे कहती है कि तुमने मुझे वन की आग की भांति छोड़ दिया, धधकने के लिए, जलने के लिए, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी खबर नहीं रही। तब डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। तो छाया देवी कहती है कि कैसे डॉक्टर, तुमने मुझे यूं कहा था, छाया मैं तुम्हारी छाया की भी पूजा करूंगा और तुमने मुझे फूलों की माला पहनाई थी और वो फूलों की माला, जैसे जैसे उस फूलों की माला के फूल सूखते गए, वैसे वैसे मेरा जीवन भी सूखता गया। तुमने मेरे जीवन को नरक बना दिया। तुमने मेरे जीवन को इंद्रधनुष बनाने से पहले ही उसे समाप्त कर दिया। उसमें तुमने तूफान लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर शेखर, तुम प्रकाश नहीं बन पाए, तुम सिर्फ चिंगारी बने और चिंगारी बनकर और मुझे धू धू करने के लिए, जलने के लिए छोड़ दिया, मुझे धधकने के लिए, जलने के लिए छोड़ दिया। तुमने बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखा। तुम एक बार मेरे जीवन के बारे में सोचते, मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैं खुश थी, मैं प्रसन्न रहती थी और मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रसन्न रहती हुई और यूं लग रहा था कि मैं बढ़ रही थी, लेकिन तुम्हें ये तक आभास नहीं हुआ कि मैं बढ़ नहीं रही थी, मेरे जीवन का सूर्य ढल रहा था और इस प्रकार से मेरा अंत हो गया डॉक्टर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब छाया इस प्रकार की बातें कहती है तब डॉक्टर यूं कहते हैं कि छाया, तुम ऐसी बातें न करो। देखो, तुम मेरे त्याग को समझो, तुम मेरे उत्सर्ग को समझो। मैंने
प्रेम किया, लेकिन मैंने भी मेरे प्रेम का एक पवित्र उद्देश्य के लिए उत्सर्ग किया था, पवित्र उद्देश्य के लिए। तब छाया देवी जवाब देती है कि डॉक्टर तुम कमजोर थे, तुम्हारा प्रेम कमजोर था। यदि तुम चाहते तो तुम दोनों रिश्तों को संभाल सकते थे, मैं तुम्हारे रिश्ते के बीच में नहीं आती, लेकिन एक बार तुमने विश्वास तो किया होता। और यहां पर छाया देवी यूं कहती है कि डॉक्टर तुमने मुझे निराश किया है। और फिर वो एक बहुत बड़ी बात कहती है कि स्त्री की निराशा, एक स्त्री की निराशा, निराशा में, एक स्त्री की निराशा में ज्वालामुखी सोता है, एक स्त्री की निराशा में ज्वालामुखी सो रहा होता है, सोता है। और जब भी वो ज्वालामुखी फटता है तब उसे फिर आग के अलावा कुछ नहीं दिखता, आग के अलावा कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर शेखर छाया देवी को कहते हैं ना कि तुम मेरे उत्सर्ग को समझो, तो वो कहती है कि तुमने मुझे निराश किया है। और स्त्री की निराशा में ज्वालामुखी रहता है, और वो ज्वालामुखी जब भी फटता है तब फिर और कोई भाव नजर नहीं आता। अर्थात अब मेरे, मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे उत्सर्ग के पीछे की कोई भावना मुझे दिखाई नहीं देगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ आग दिखाई देगी। अर्थात अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे बदला चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती। तब डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि नहीं छाया देवी, मैं भी तुमसे प्रेम करता था, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। तो छाया देवी यूं कहती है कि ठीक है, तुमने उत्सर्ग किया, तुमने एक पवित्र उद्देश्य के लिए प्रेम का त्याग किया, परंतु तुम ये तो कर सकते थे। मेरा जीवन रूपी शीशा टूट रहा था, टूट रहा था, तुम उस शीशे के टुकड़ों को उठाकर और अपने पास रख लेते, तुम मेरे टूटते हुए जीवन के शीशों को संभाल लेते, मैं खुश रहती, मैं प्रसन्न रहती। लेकिन तुमने मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय, तुम्हारे साथ जो मैंने बिताया, जो समय बिताया था, वो एक उस सपने के समान रह गया, उस भयानक सपने के समान रह गया। जिस प्रकार से एक नदी होती है, उसमें जल पहले तो उफान पर होता है, मतलब नदी में जब बाढ़ आती है तब तो जल यहां तक होता है, परंतु बाद में धीरे धीरे सूखता हुआ जल यहां तक सीमित हो जाता है, और फिर ये किनारे बिल्कुल सूखे रह जाते हैं, और ये किनारे फिर जल के लिए तरसते रहते हैं, यहां तक कि यहां पर जल का अवशेष भी दिखाई देता रहता है। अर्थात ये जल यहां तक पहुंचा था तो ये मिट्टी बता देती है, मिट्टी से पता चल जाता है कि यहां तक कभी न कभी जल आया था। तो छाया अपने जीवन को इस किनारे के सदृश बताती हुई और यूं कहती है कि मेरा जीवन तो इस प्रकार का हो गया। और फिर छाया देवी यूं भी कहती है कि तुम अगर दोनों रिश्ते निभाना चाहते तो निभा सकते थे, मैं तुम्हारे लिए मृगजल कभी नहीं बनती। मृगजल का मतलब ऐसे होता है कि देखिए, एक मृग होता है जो रेगिस्तान में होता है, और रेगिस्तान में वो पानी की तलाश में भटकता है, और पानी की तलाश में जब वो दौड़ रहा होता है तो जो रेत के बड़े बड़े टिल्ले होते हैं, तो दूर से वो रेत चमकती हुई इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे वहां पर पानी पड़ा है, और वो इसी प्रकार से उसकी तलाश में दौड़ता रहता है। तो वो यूं कहती है कि तुमने मुझे समझा ही नहीं। देखो, तुमने एक स्त्री के प्रेम की गहराई को नहीं समझा, क्योंकि स्त्री के प्रेम की गहराई तो समुद्र के समान होती है, बहुत गहरी होती है, उसमें बहुत कुछ समाहित करने की क्षमता होती है, तुम उस गहराई में उतरे ही नहीं। तुमने तो सिर्फ मृग जल मेरे प्रेम को समझ लिया, और मृग जल समझ कर और तुमने मुझे तड़फने के लिए छोड़ दिया, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तब शेखर कहते हैं कि मैं मानता हूं मेरी बहुत गलती थी, और मैं ये भी मानता हूं कि मुझे ये नहीं पता था
तुम्हारा प्रेम इतना गहरा था, मैं डर गया था, मुझे इतना विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊं। हो सकता है मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाया, हो सकता है मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुमसे रूबरू होने का भी, मैंने तुमसे नजरें भी फेर ली। छाया देवी कहती है कि तुमने तो मेरी तरफ देखना तक छोड़ दिया। तब शेखर यूं कहते हैं कि मैंने अपने आप से डरकर तुमसे नजरें फेर ली, मुझे यूं हो गया था कि शायद तुम्हारे प्रेम में मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और मैं मेरे कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। तो इसलिए छाया देवी यूं कहती है कि डॉक्टर शेखर तुम कमजोर थे, तुमने मकड़ी के जाले के भीतर बैठकर, मकड़ी के जाले के भीतर बैठकर पृथ्वी की गोलाई नापने का प्रयास किया था, पृथ्वी की गोलाई नापने का प्रयास किया था। गोलाई नापना, देखिए मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें गोल गोल तार होते हैं, और उसी प्रकार से पृथ्वी का आकार होता है, वो भी गोल गोल होता है। तो एक व्यक्ति या एक मकड़ी जो जाले में है, वो इस वहम में हो जाए कि मैं पृथ्वी के भीतर हूं, और मैं यदि इन जालों की तार गिन लूंगी तो शायद मैं पृथ्वी का रहस्य जान पाऊं। तो इस प्रकार से छाया देवी कहती है कि तुमने तो बहुत बड़ी भूल की, अर्थात तुमने मकड़ी के जाले के भीतर बैठकर पृथ्वी की गोलाई नापने का प्रयास किया, जो कभी संभव नहीं था। दूसरी बात, तुमने जो जुगनू होता है, जुगनू के जीवन की चिंगारी जो होती है, चिंगारी को तुमने, जुगनू के जीवन की चिंगारी से ज्वालामुखी का एहसास करना चाहा, जो असंभव था। डॉक्टर शेखर यूं कहता ना कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, मैंने तो यूं सोचा मैं तुम्हारे प्रेम में आकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं मेरे कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। तब छाया देवी यूं कहती है कि तुम तो उस मकड़ी के समान थे जो जाले के भीतर पृथ्वी की गोलाई नापना चाहता है, अर्थात तुम स्त्री के गहरे, समुद्र के समान गहरे प्रेम को कैसे जान सकते थे, तुम तो संकीर्ण छोटा सा विचार लिए बैठे थे। तुम तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जुगनू के जीवन की चिंगारी से और ज्वालामुखी को नापने का प्रयास किया जाता है, ज्वालामुखी का अंदाजा लगा लिया जाता है कि जुगनू के जीवन की चिंगारी इतनी है तो ज्वालामुखी इतना होगा, जिसका कोई मेल ही नहीं होता, ज्वालामुखी बहुत भयानक होता है, बहुत बड़ा होता है, तो कि तुमने तो असंभव कार्य करने का प्रयास किया, कहां तो मेरा समुद्र के समान गहरा प्रेम, और कहां तुमने मुझे संकीर्ण सोच में, कहां तुमने मुझे संकीर्ण सोच में बांधना, बांधने की सोची। जब छाया देवी इस प्रकार की बात करती है, तब डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि कुछ भी कहो छाया देवी, लेकिन मेरी भूल थी, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु तुम्हें मेरी मंजिल को मुझसे दूर नहीं लेकर जाना होगा, तुम्हें मेरी मंजिल को कुछ नहीं करना, मेरी बेटी को तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाना, क्योंकि मैं मेरी बेटी के बगैर मर जाऊंगा, मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। जब डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं तो छाया देवी यूं कहती है कि देखो ये तो संभव ही नहीं है, मैंने जो कहा है वो तो मैं करूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है। तब डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि तुम ये करो, तुम्हारी जो ये इच्छा है मंजुल को साथ ले जाने वाली, उसको एक तरंग के रूप में परिवर्तित करो, और उस तरंग को वायु का रूप दो, और उस वायु को मंजुल के मस्तिष्क में डालकर, और मंजुल के मस्तिष्क में घुसकर, और उस विचार को जो तुमने कहा था ना कि ऋषिकेश में 4 महीने बाद तू अपने साथ ले जाऊंगी, उस विचार को मस्तिष्क में, जो मंजुल के अभी भी विचार है, उस विचार को तुम निकाल कर बाहर फेंको, और मंजुल ये सब भूल जाए कि वो तुमसे मिली भी थी, या तुमसे बात भी हुई थी, या तुमने ऋषिकेश ले जाने के लिए मंजुल को कहा भी था।
जब छाया देवी को डॉक्टर शेखर ये रास्ता बताते हैं कि तुम जो 4 महीने के लिए ऋषिकेश ले जाने वाली इच्छा बनाए हुए हो ना, उसको तरंग बनाओ, फिर वायु बनाओ, वायु बनाकर और मस्तिष्क में घुसो और फिर उस विचार को समाप्त कर दो, यानी मंजुल बिल्कुल भूल जाए कि तुमसे बात हुई थी, तुमसे मिली थी, सभी प्रकार की बातें भूल जाए। तो छाया देवी यूं कहती है कि डॉक्टर तुम चाहते क्या हो? तुम ये चाहते हो कि मैं मेरा जीवन समाप्त करके मेरे जीवन में तूफान लाकर मेरे जीवन रूपी संसार को आग में जलाकर तुम एक सुखी जीवन जियोगे? तुम ये चाहते हो? तो ये कभी संभव नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं होगा डॉक्टर शेखर। तो डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगी तो मैं सभी आत्माओं का आह्वान करूंगा, मैं सभी शक्तियों को बुलाऊंगा, आह्वान करूंगा और सभी शक्तियों से तुम्हें नष्ट करवा दूंगा। छाया देवी तुम्हें नष्ट होना पड़ेगा, तुम्हें समाप्त हो जाना पड़ेगा। तब छाया देवी मुस्कुराती हुई कहती है कि डॉक्टर तुम एक सांसारिक जीवन लेकर, एक स्थूल शरीर लेकर, और आत्मा से लड़ने की बात कर रहे हो। मैं तो हवा हूं, मैं तो एक हल्का सा स्पर्श हूं, मुझसे कैसे लड़ पाओगे? तुम्हारे पास है इतनी शक्ति कि तुम मुझसे लड़ पाओ? है इतना सामर्थ्य कि मुझसे लड़कर और जीत पाओ, मुझे नष्ट कर पाओ? और पहले एक बात और बता देती हूं, तुमने जीवन का लगभग रहस्य जान लिया है, तुमने जीवन के बाद का भी रहस्य जान लिया है, तो तुम्हें इतना तो जरूर पता होगा कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो तुम किसके नष्ट होने की, किसको नष्ट करवाने की बात कर रहे हो शेखर? जब छाया देवी इस प्रकार की बात करती है तो डॉक्टर यूं कहते हैं कि नहीं छाया, तुम्हें मेरी बात स्वीकार करनी होगी, तुम्हें मेरी इच्छा माननी होगी, मेरी मंजिल को तुम्हें अपने साथ ले जाने की जिद छोड़नी होगी। तुम कुछ भी करो, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, तुम बस मेरी बेटी को मेरे पास रहने दो, मेरे जीने का एकमात्र सहारा है, तुम जो बोलोगी मैं सब करने के लिए तैयार हूं। तब छाया देवी कहती है कि अगर तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो करो, अपना यंत्र जो है एपराटस उसको तोड़ डालो। तो डॉक्टर शेखर बहुत ज्यादा भावुक थे, तो छाया ने कहा कि तुम अपना यंत्र एपराटस तोड़ डालो। हाँ बिल्कुल, ऐसे आगे बढ़ने लगता है तो भी उसे ध्यान आता है कि इसने बोला क्या है, एपराटस यंत्र जो इसकी बरसों की खोज थी, बरसों की मेहनत थी। तब शेखर कहता है कि छाया तुम बोल क्या रही हो, ये मेरी बरसों की मेहनत है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, ये तो दुनिया के लिए एक नई खोज है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मृत्यु भय नहीं है, और मैंने इतनी बड़ी खोज की है और तुम इसको ही तोड़ने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं छाया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब छाया यूं कहती है कि तो दोनों में से एक को चुन लो, या तो तुम्हारा एपराटस रहेगा या तुम्हारी बेटी मंजुल, एक का चुनाव कर लो। तब शेखर यूं कहते हैं कि नहीं छाया, ये तुम नहीं कर सकती, एपराटस तो मैं नहीं तोड़ सकता, तो ठीक है मंजुल को ले जाऊंगी। नहीं, मंजुल के को बचाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं यंत्र भी तोड़ सकता हूं, मैं तुम यदि इसी शर्त पे मंजुल को जिंदा रखोगी या मंजुल को नहीं लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारी ये शर्त भी मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है तो तोड़ो एपराटस। शेखर खड़े होते हैं, चलते हैं, फिर कदम रोक लेते हैं और फिर छाया से कहते हैं कि छाया तुम ऐसा मत करो मेरे साथ। तब छाया यूं कहती है कि तुम आत्माओं के जीवन में तूफान लाते हो, आत्माओं का के संसार में तूफान लाने का काम कर रहे हो, अर्थात तुम्हें, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो आत्माओं को भी चैन से रहने नहीं देते, तुम अपने यंत्र पर बुलाते हो, उनसे बात करते हो। अरे तुम आत्माओं को तो चैन से रहने दो, उनसे क्यों बात कर रहे हो, उनसे क्या चाह रहे हो? जब छाया इस प्रकार की बातें करती है तो डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि मैं एक नया आविष्कार कर रहा हूं। तब छाया देवी यूं कहती है कि देखो, जीवन की बात
ईश्वर ने मृत्यु को इसलिए बनाया ताकि जीवन जीवन रहे। तुम मृत्यु के बाद के काफी रहस्य को जान चुके हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमें चैन से रहने दो और तुम्हें अपराटस तोड़ना होगा। डॉक्टर शेखर मना करता है तो छाया देवी उसे हौसला देती है, उसे उकसाती है कि तुम शक्तिमान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम कर सकते हो, तुम वीर हो। और इस प्रकार से डॉक्टर शेखर के अंदर भाव पैदा करती है, तेज जोश पैदा करती है। और छाया देवी डॉक्टर शेखर को जैसे ही जोश देती है तो डॉक्टर शेखर खड़े होते हैं, एपराटस के पास जाते हैं, लेकिन फिर रुकते हैं। फिर छाया देवी बोलने लगती है और उसे उकसाती है यंत्र को तोड़ने के लिए। और फिर डॉक्टर शेखर मंजुल को याद करते हैं और मंजुल को याद करते ही और वो एकदम से एपराटस यंत्र पर जोर से प्रहार करते हैं। प्रहार करते ही एपराटस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो बिखर जाता है। और जैसे ही एपराटस बिखरता है वैसे ही छाया देवी वहां से विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। डॉक्टर शेखर यंत्र को तोड़कर और एकदम थोड़ी देर में होश में आते हैं, तब वो कहते हैं छाया देवी, छाया देवी, छाया देवी तुम कहां गई, जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन छाया देवी वहां पर नहीं थी। जब छाया देवी वहां पर नहीं थी तो डॉक्टर शेखर थोड़ा सा मायूस तो होते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, फिर जाकर और बैठ जाते हैं। और जब बैठते हैं तब उसी समय मंजुल को होश आ जाता है। मंजुल अंगड़ाई लेती हुई बैठी होती है और बैठी होती हुई यूं कहती है कि पिताजी आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना, मैं यहाँ पे बैठी थी और बैठे बैठे सो गई। तो डॉक्टर शेखर कहते हैं कि नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम ये बताओ ऋषिकेश कब जा रही हो। मैं ऋषिकेश क्यों जाऊंगी, तो तुम किसी के साथ ऋषिकेश घूमने नहीं जा रहे। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यहाँ पर डॉक्टर शेखर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि छाया देवी को जो इन्होंने शर्त दी थी क्या वो पूरी करके गई है कि नहीं। यहाँ पर डॉक्टर शेखर तीन चार सवाल मंजुल से पूछते हैं कि तुम ऋषिकेश जाओगी क्या, तुमने सितार बजाकर किसी से बात की थी क्या, कोई तुम्हारे पास आया था क्या, कोई यंत्र था क्या, एपराटस पे तुमने बात की थी क्या। जैसे ही ये सारे सवालों के जवाब मंजुल नहीं देती है, मंजुल को कुछ भी याद नहीं है, तब डॉक्टर शेखर थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं। हालांकि डॉक्टर शेखर की एक बहुत बड़ी खोज का यहाँ पर दुखी या दुखपूर्ण अंत हुआ, लेकिन वहां पर वो अपने बड़े शोध और यंत्र को देकर अपनी बेटी मंजुल को बचाते हैं। ये थी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित कहानी या फिर डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित एकांकी उत्सर्ग। उसमें एक अलग सा विषय लेकर डॉक्टर वर्मा ने एकांकी लिखा था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।